हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद अचीप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पे एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आपको उसमें हम सोल्यूशन बताते हैं कोई ना कोई हैंडसेट का। तो आज भी ऐसे ही मेरे पास एक Realme C1 हैंडसेट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये Qualcomm हैंडसेट है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जिंग का लोगो भी शो करेगा, परसेंटेज भी शो करेगा, लेकिन मैं इसका पावर की दबाता हूँ तो ये हैंडसेट ऑन नहीं होगा। ऑन भी होगा तो वो सिर्फ लोगो तक आकर चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये हैंडसेट कस्टमर ने दिया हैंग ऑन लोगो करके, यहाँ पे रिस्टार्ट होता है हैंडसेट। ये जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग का परसेंटेज तो यहाँ पे शो हो रहा है, चार्जिंग का लोगो तो आ रहा है। अब कुछ देर बाद यहाँ पे परसेंटेज भी शो करेगा इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं 55% यहाँ पे इसमें चार्जिंग है, बट ये हैंडसेट ये ऑन नहीं हो रहा है और ये हैंडसेट अभी रिस्टार्ट हो रहा है वापस से, देख सकते हैं जैसा कि। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका पावर की दबाता हूँ और पावर की दबाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं परसेंटेज आ रहा है और उसके बाद ये हैंडसेट यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme लिखकर आ चुका है। और ऐसे में प्रोग्रामिंग करते हैं या फ्लैशिंग करते हैं तो भी ये हैंडसेट ऑन होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पे कस्टमर ने कहा है कि फ्लैशिंग जो भी है इन्होंने कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही सेकंड लोगो आ रहा था हैंडसेट ये ऑफ हो चुका है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है बहुत सारे हैंडसेट में के अंदर किसी ऑलरेडी टेक्नीशियन ने काम किया होता है और वो लोग पेस्ट डालकर आईसीओ पे हीट मार देते हैं और आईसीओ हल जाते हैं। तो हमको पहले तो उसमें देखना होता है, आई स्कैनिंग करनी होती है कि कहां कहां पे पहले वाले टेक्नीशियन भाई ने हमारे काम किया है। जिसके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो पेस्ट डाल के सिर्फ हीट मारेंगे या तो फिर आईसीओ को हिलाकर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम कुछ और होती है और प्रॉब्लम उसमें कुछ और आ जाता है। तो ये जो हैंडसेट में प्रॉब्लम थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए अगर आप किसी दूसरे टेक्नीशियन को देंगे, प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो पेज डाल के जब आईसीएम पर हीट मारी जाती है तो हिला देते हैं, बॉल ऐसी होगी तो नीचे से शॉर्ट हो जाएगी, लैग वाली ऐसी होगी तो आपस में लैग उसके मिल जाएंगे, आसपास के सेक्शन में शॉर्टिंग आ जाएगी। और जो आईसीएम फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर I2C लाइन होती है, SPI लाइन होती है या इनेबल सिग्नल होता है जो कि CPU से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से आप आईसीएम अगर हिला देंगे तो आपका जो I2C लाइन है वो IC के साथ कनेक्टेड है, ऐसे में आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा, हैंग ऑन लोगो रहेगा। तो इस हैंडसेट में हमने यही चेक करके बताया है कि लोगो तो आ रहा है, परसेंटेज भी शो है, लेकिन फिर भी ये हैंडसेट ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने चेक करके बताया है कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने जितना हो सके उतना बताने की कोशिश की है, डायरेक्ट सोल्यूशन आपको देने की कोशिश की है और प्रॉपर एक एक आईसी के लैग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, आईसी के अंदर एक एक बॉल की अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आपको फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन करना पड़ेगा। हर महीना 20 दिन की क्लास होती है जिसमें आपको प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस चिप लेवल का आपको उसमें कोर्स सिखाया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और EMMC। इसके अलावा हमारे पास एक एडवांस EMMC का कोर्स है जिसमें डुअल लेकर प्लस EMMC, EasyJet अटैक और UEFI की क्लास है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आईफोन की हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है 20 दिन की, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे यहाँ, चलिए सबसे पहले इसका मैं सिम ट्रे निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिम ट्रे मैं निकाल लिया हूँ और उसके बाद हैंडसेट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके स्क्रूज खोल लेते हैं। सारे स्क्रू साइड में रख देते हैं और ये देख सकते हैं इसका बैकन, और यहाँ से इसका बैटरी रिमूव करते हैं सबसे पहले और जो RF केबल है इसको निकाल लेते हैं और
और इसका नीचे का पत्ता, चार्जिंग जैक, चार्जिंग पत्ता और डिस्प्ले का पत्ता निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पीसीबी को बाहर निकालेंगे और पीसीबी को एक बार आई स्कैन करेंगे और देखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। और सबसे पहले कैमरे यहाँ पे लगे हैं तो कैमरे रिमूव कर देते हैं। पीसीबी पे काम करने से पहले कैमरे को रिमूव करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा शील्ड वगैरह लगा हुआ है सीपीयू और एमएमसी का, और पावर भी अभी तक उतरा नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एलसीडी में आपको बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आई स्कैन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे इस हैंडसेट में कहीं पे काम होके आया है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हमको डैमेज मिलता है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा शील्ड वगैरह लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे किसी ने काम नहीं किया है और डिस्प्ले के साइड भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ये चार्जिंग जैक और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, और यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा WTR के पास पेस्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये RFIC यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लग रहा है, यहाँ पे काम किया ऐसा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इस साइड में और कुछ, और बैक साइड देखते हैं क्योंकि बैक साइड यहाँ पे ठीक है। ये सिम ट्रे आपका, और यहाँ पे भी शील्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सिम ट्रे के आसपास। और ये CPU MMC इसका कवर है। तो सबसे पहले हम बैटरी का वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे कि डीसी में बैटरी मल्टीमीटर में कितना रीडिंग आ रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि डीसी में कितना वैल्यू आ रहा है। इधर तो यहाँ पे मल्टीमीटर हम रखेंगे बजर मोड पे, और इसमें हम रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का वैल्यू चेक करते हैं, या शॉर्टिंग है फुल शॉर्ट है क्या है चेक करते हैं। तो रेड प्रोब आपको रखना है ग्राउंड से और ब्लैक से आपको चेक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड हमारा ग्राउंड और लेफ्ट साइड वीबैट पे जो है 450 के आसपास वैल्यू आ रही है जो कि ठीक है। और वापस रिवर्स में भी चेक करते हैं तो यहाँ पे 1600 के आसपास रीडिंग आ रही है, ये भी हमारी ओके है। साथ ही साथ BSI और BTEM बैटरी थर्मल वगैरह चेक कर लेते हैं, ID लाइन्स तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, मतलब ये भी हमारा लाइन सही है ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर तो हमारा सबसे पहले ओके मिला है। पीसीबी में दूसरी जगह चेक करने से पहले एक बार हम डीसी से स्विचिंग चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ ऑटो एम्पियर को नहीं ले रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम डीसी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वैल्यू यहाँ पे ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, मतलब यहाँ पे कोई शॉर्टिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है। यहाँ पे एक बार मैं पावर की प्रेस करके चेक करना चाहूंगा कि कितना एम्पियर ये डायरेक्टली ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पावर की एक बार प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि मोबाइल हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है डीसी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बूट होते हुए, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये हैंडसेट जो है पूरा ऑन हो जाएगा बट रीस्टार्ट होता रहेगा। जैसे कि सेकेंड लोगो जैसे ही आएगा, रियलमी का सेकेंड लोगो जो आता है तब ये हैंडसेट वापस से स्लिप वापस से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस करिए, अच्छे से डीसी को चेक करिए, ये जब रियलमी का लोगो आएगा फर्स्ट लोगो, उसके बाद रियलमी का जैसे ही सेकेंड लोगो आएगा ये हैंडसेट ऑफ हो जाएगा और रीस्टार्ट होने लग जाएगा। तो इस हैंडसेट में इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्प्ले में बताया कि कैसे हैंडसेट रीस्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑन होने जाएगा ये और सेकंड लोगो में ये रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे बूट होते हुए। फर्स्ट लोगो आ चुका है और सेकंड लोगो जैसे ही इसमें आएगा तब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये 0-0 हो गए इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रीडिंग ले रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है हैंडसेट, जैसे कि आप देख सकते हैं हैंडसेट बार बार रीस्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कोई हमको लीकेज नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए पीसीबी में चेक करते हैं मल्टीमीटर से,
कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह है क्या देखते हैं। एलसीडी में कैमरा स्ट्रेट बैटरी कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था वीपैड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन सारा कवर्ड है तो मुझे चेक करने के लिए जो स्पेस मिल रहा है फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं ये आईसी के पास, और यहाँ पे भी पेस्ट है काफी सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे शॉर्ट मिल रहा है, और आईसी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आईसी हटा हुआ है। तो ये आईसी हम यहाँ पे अभी जैसे कि चेक किया तो यहाँ पे हमको एक कैपेसिटर शॉर्ट मिल रहा है, तो ये आईसी हम निकालेंगे उसको रिप्लेस करेंगे। हो सकता है इस आईसी में शॉर्टिंग होने की वजह से ये हैंडसेट रिस्टार्ट हो रहा है, तो चलिए इस आईसी को निकालते हैं और इसकी जगह मैं किसी और स्क्रैप बोर्ड से दूसरा आईसी लगा दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे डाल लेते हैं, इधर ले लो इधर नीचे से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने स्क्रैप बोर्ड से एक ऐसी निकाल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चलिए अभी इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये वाला कैप हमको शॉर्ट मिल रहा था, तो एक बार इसको मैं चेक करके बताना चाहूंगा आपको। आईसी तो मैंने निकाल दी है और उसके बाद अभी दूसरी आईसी लगाएंगे। यहाँ तो ग्राउंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडल थोड़ा है। हाँ चलो यहाँ पे वैल्यू बता रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ तो वैल्यू मिल रही है, और अगर ऊपर के साइड अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग हमारा जो आ रहा था वो लाइन हमारा शॉर्टिंग था यहाँ से, क्योंकि वो लाइन यहाँ कनेक्टेड होता है। तो ये जो शॉर्टिंग था हमारा चला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड ग्राउंड है और यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल है। चलिए यहाँ पे हम आईसी को चेंज करते हैं, ये वाला हम आईसी डालेंगे इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो हमने निकाला आईसी यहाँ पे एक आईसी है जो कि हमने निकाला है। तो चलिए अभी ये वाला आईसी हम इसमें लगा देते हैं चेंज करके। और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है।
ऐसी लगाने के बाद एक बार वापस से उसी कैपेसिटर को चेक करेंगे। और यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको, जो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट आ रहा था, शॉर्टिंग जा रही है धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। तो चलिए फिट को ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लोगो हमारा पहले भी आ रहा था, अभी देखते हैं कि आगे हैंडसेट का ये ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं सेकंड लोगो जो कि यहाँ तक आकर के ये रिस्टार्ट हो रहा था हैंडसेट, और अभी जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। हैंडसेट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 57% चार्जिंग था वही चार्जिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 57% चार्जिंग, और जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा इसमें जो कि हमारा 2G का नेटवर्क IC था उसके पास एक कैपेसिटर हमको शॉर्ट मिल रहा था, तो यहाँ पे हमने IC को चेंज किया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स के जो आपका नेटवर्क IC है उसमें आपकी VPH लाइन आती है और उसमें I2C लाइन वगैरह होती है, जिसके कारण ये हैंडसेट आपका रीस्टार्ट हो रहा था। इसके कारण आपको यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा था। यहाँ पे हमने देखा कैसे, हमने देखा कि ऑलरेडी जैसे कि काम किया हुआ था, जैसे कि आपने देखा पेस्ट वगैरह होता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और आपको अच्छे से अगर सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, और आपको 20 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें A to Z लाइव आपको प्रैक्टिकली क्लास होती है, जिसमें सब कुछ बताएंगे जितने भी सेक्शन होते हैं, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क या फिर इस तरह के डेड फॉल्टी मोबाइल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 तरह के कोर्स है, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, ताकि आपको अगर जानना है कोर्स करना है तो डिटेल ले लीजिए, व्हाट्सअप में आपको सारी डिटेल दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।